हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, साथ ही साथ प्रधान जी और लाचन जी उपस्थित हो चुके हैं और माल्यार्पण की पहली कड़ी में तालियों से स्वागत किया जाए। माल्यार्पण की पहली कड़ी में नरेंद्र प्रबंधक से मैं चाहूंगा तो माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद रामलीला के डायरेक्टर विजय शंकर जी से निवेदन है कि वो भी अतिथि का स्वागत करें। माल्यार्पण करते हुए विजय शंकर कहाँ है विजय शंकर। इसके बाद राजेश मदनवाल माल्यार्पण का स्वागत करें। इसके बाद विकास अग्रहरी, इसके बाद कृष्णा अग्रहरी माल्यार्पण के अगली कड़ी में कृष्णा अग्रहरी है, इसके बाद धीरज अग्रहरी। धीरज अग्रहरी, दुर्गेश साहू से चाहूंगा तो माल्यार्पण का स्वागत करें। जल्दी करो भैया। साथियों अगले कड़ी में राधे श्याम प्रजापति जी जो माल्यार्पण करेंगे। भूरा जी का नाम तो लिया गया भैया, नमो प्रचार करावे का। चलिए धीरज जी तो साथियों हमारे प्रधान जी दो शब्द आपके बीच में कुछ कहना चाहते हैं, इसे सुनने के बाद फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आप सुनते हैं प्रधान जी से। सबसे पहले इस रामलीला को अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, साथ ही साथ समस्त पदाधिकारी गण का बंधन अभिनंदन होने जो आ रहे हैं उसे बार बार नमन। श्रीमान डॉक्टर पूज्य प्रजापति साहब आपके चरणों में वंदन भवंदन, जो इन तमाम अपराधियों के हौसले को बुलंद करने हेतु आप यहाँ पर आए। आप सभी दर्शक और प्रेमी भाइयों माताओं साहब भजन हेतु चरण स्पर्श वंदन अभिनंदन। आज मेरे भाग्य से दो मिनट का समय मिला है, बहुत ही अमूल्य पूर्ति है। तो साथियों मैं यह बताना चाहता हूँ रामलीला का अपने प्रदर्शन क्यों किया जाता है। रामलीला का अभिनय प्रदर्शन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई नाच देखने के लिए, रामलीला का अभिनय इसलिए किया जाता है कि हमें आपके संस्कार का ज्ञान हो, मर्यादा का ज्ञान हो। आज रामलीला में पूरे रामचरितमानस में पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया तो क्यों, इसका कारण है। तो साथियों मैं इसके पहले भी कहा था, आवाज भी कहता हूं, रामलीला आप चार घंटा देखिए मात, रामलीला का निष्कर्ष आप चार मिनट में निकाल लीजिए तो आपका रास्ता कल से बदल जाए। साथियों साथ ही साथ यह भी बताना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने परिवार के साथ
माता के साथ कैसा व्यवहार किया था, बड़ी माता के साथ कैसा व्यवहार किया, छोटी माता के साथ, पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। मात माता के एक शब्द पर और पिता के वचन पर पुरुषोत्तम मनोहर सुरामचंद जी 14 वर्षों के बर्बाद के लिए चले गए और आज हम एक एक बीच की लड़ाई करते हैं। अरे एक भाई अयोध्या जो चित्रकूट तक मनाने के लिए चला गया और उन्होंने कहा कि भैया आप नहीं चलेंगे तो मैं प्राण को त्याग दूंगा, और हम आप भाई हैं, अगर 2 इंची बड़ा भाई ले लिए छोटा इंची उसको कत्ल करने के लिए तैयार है। तो साथियों कहने का आशय यह है संस्कार सबसे जरूरी है, मर्यादा के भीतर है वही अत्युत्तम होगा। बहुत कुछ ना कहकर के बाल को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे आपके बीच में